हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ है समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। परिभाषा इस तरह से है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन यानी कि नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह पर सर्ग में लुप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमने जान लिया कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, पहले शब्द को या पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के शब्दों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए एक समस्त पद है गंगा जल, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं गंगा और जल। गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है और इसका समास विग्रह है इस तरह से है गंगा का जल। इसी तरह से एक और समस्त पद है राजपुत्र, इसमें पूर्व पद है राज और उत्तर पद है पुत्र। समास विग्रह हुआ राजा का पुत्र। बच्चों समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं, यानी कि समास छह प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और उसी का अर्थ प्रधान हो यानी कि इम्पोर्टेंट हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, यथावधि विग्रह करेंगे तो अर्थ निकलेगा अवधि के अनुसार। आजन्म यानी कि जन्म पर्यंत, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन। सेकेंड इज तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो यानी कि बाद वाला शब्द प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे गंगा जल विग्रह करेंगे तो अर्थ निकलेगा गंगा का जल। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के छह भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। उदाहरण लेते हैं, कोशकार विग्रह कीजिए, कोश को करने वाला, इसमें को कारक चिन्ह का लोप हो गया है, ये कर्म तत्पुरुष है। नेक्स्ट इज मन चाह विग्रह कीजिए, यानी मन से चाहा, तो सी कारक चिन्ह का लोप हो गया है, ये करण तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है मार्ग व्यय, विग्रह करेंगे मार्ग के लिए व्यय, तो के लिए कारक चिन्ह का यहाँ लोप हो गया है। अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है देश निकाला यानी देश से निकाला, तो से कारक चिन्ह का यहाँ लोप हो गया है। नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है गंगा जल, विग्रह कीजिए गंगा का जल, का कारक चिन्ह का यहाँ लोप हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इस अधिकरण तत्पुरुष, उदाहरण है नगर वास, नगर में वास इसका विग्रह है तो यहाँ में कारक चिन्ह का लोप हो गया है। नेक्स्ट इज कर्मधारय समास, जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे चरण कमल विग्रह कीजिए, अर्थ निकलेगा कमल के समान चरण, तो यहाँ चरणों की उपमा कमल से की गई है। कमल चरणों के लिए एक विशेषण का काम करता है, उसी तरीके से कमल नयन कमल के समान नयन, तो यहाँ कमल
नयन के लिए यानी आँखों के लिए एक विशेषण का काम कर रहा है। नील गगन यानी नीला है जो गगन, तो यहाँ गगन विशेष्य है, नीला उसका विशेषण। नेक्स्ट इज बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति ही, एडजेक्टिव की भांति ही कार्य करते हैं। जैसे एक सामासिक पद है दशानन, विग्रह करेंगे दस है आनन जिसके, आनन का अर्थ होता है सिर, तो दस हैं सिर जिसके अर्थात रावण। तो दशानन सामासिक पद रावण के लिए एक विशेषण की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचानन यानी पांच हैं मुख जिनके अर्थात शंकर जी। अब पंचानन शब्द शंकर जी के लिए एक विशेषण का काम करता है। गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाले, तो गिरिधर शब्द श्री कृष्ण के लिए एक विशेषण का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध यानी ग्रुप का बोध कराता है। जिसे पंचवटी पांच वटों का समूह, चौराहा चार रास्तों का समाहार, पंच तत्व पांच तत्वों का समूह। नेक्स्ट इज द्वंद्व समास, इस समास में दो पद होते हैं और दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे हानि लाभ, विग्रह करेंगे तो हानि या लाभ शब्द बनेंगे। उसी तरह से नर नारी, विग्रह करेंगे तो शब्द बनेगा नर और नारी। तो ये थे समास और उनके भेद। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन लेकर हम आपके पास फिर आएंगे। तब तक के लिए बाय।